तो नक्शे के मुताबिक ये आ गया फ्रंट पे ड्राइंग रूम, इसके पीछे बेडरूम और सामने किचन। ये देखो, नक्शा बदल दो। हाँ? बना हुआ नक्शा बदल दो। क्यों? अरे बेवकूफ, नक्शा क्यों बनवाया जाता है कि अगर घर बनने से पहले कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो उसको कागज पे बदल दिया जाए, बजाय इसके कि एक ऐसे घर में बेचैनी से रहे जो आपको पसंद ही ना हो। बात तो तुम्हारी सही है। कभी कोई गलत बात की है मैंने? कभी भी नहीं। अच्छा, अब देखो, ये जहां इस बेवकूफ आर्किटेक्ट ने ड्राइंग रूम रखा है ना, ये चीज पूरे प्लॉट की सबसे अच्छी जगह है। यहाँ पे होगा मेरा बेडरूम और इधर ही हम लोग दो सोफे रखेंगे, आने जाने वालों के लिए रख के बंद कर देंगे। आने जाने वाले लोग मेहमान होते हैं। हाँ, जो भी कहते हैं, आएंगे 2 मिनट बैठेंगे चले जाएंगे, घर तो मेरा ही होगा ना। देखो, ये यहाँ पे ना बेडरूम अगर बनेगा तो ये सबसे अच्छी जगह होगी, यहाँ पे धूप आएगी, हवा आएगी। और किचन जो है ना वो दूसरी मंजिल पे रखेंगे, मुझे ना ये नमक मिर्च मसालों की बदबू जो है ना बहुत बुरी लगती है। तो तुम बार बार सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाओगी? मैं क्यों जाऊंगी ऊपर? किचन में बेवकूफ, क्या करूं मैं तुम्हारा? देखो, तुम बुटीक चलाते हो, खुद कपड़े बनाते हो उसमें, नहीं ना दर्जी बनाता है तुम्हारे लिए, इसी तरह किचन में भी बावर्ची काम करेगा ना, मैं क्यों करूंगी? परवेज, ये तुम ना गली मोहल्ले की सोच से ना बाहर आ जाओ। अरे अच्छा लगेगा, इतनी बड़ी शायरा हुस्ना हुसैन हुस्नी किचन में खाना पकाएगी। भाई मेरे साथ रहना है ना तो तुम्हें अपनी सोच बड़ी करनी पड़ेगी, वरना तुम चुन लो, ढूंढ लो अपने लिए कोई नसरीन परवीन रशीदा हमीदा जैसी औरत जो तुम्हारे लिए किचन में ख्वार है।